प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अधिकारियों को गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि पैसों के अभाव में कोई काम रुकना नहीं चाहिए। संबंधित अधिकारी पैसों की डिमांड जल्द बनाकर शासन को भेजें। उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना को सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर नल हर घर जल के माध्यम से सभी को जल मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि शंकरगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में रिफाइनरी खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। जिले की फूलपुर बरोत करछना तहसील को नगर पंचायत बनाने की बात कही गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए सभी सुविधाएं मजबूत करने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी जाने वाले कांवरियों के लिए कांवड़ पट्टी का निर्माण कराया जाएगा। विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, जो हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद सदस्य, यहाँ के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे महापौर जी और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने बहुत सारी बातें जिले की व्यवहारिक जो समस्याएं थी उनको बताने का काम किया है, और उसके संबंध में और विकास के अन्य जो हम लोगों ने पहले से निर्धारित विषय थे उन विषयों को लेकर भी चर्चा किया है। प्रयागराज को प्रदेश का सर्वोत्तम शहर बनाना है, जिला बनाना है, यहाँ जन सुविधाओं की दृष्टि से डबल इंजन सरकार, न केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से और न प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार से कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। विकास की गंगा बह रही थी, बह रही है, आगे बहती रहेगी।